हे गाइस इट्स सुपर मी। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू और अदर हॉलीवुड मूवी के अपडेट के बारे में, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें पहले अपडेट को लेकर जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम से आई है। स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ फोटो सामने आए हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर ऑक्टोपस का क्लियर लुक सामने आया है। वहीं फोटो को देखकर पता चलता है कि ये फोटो रोड वाली फाइट सीन का होने वाला है। बात करें दूसरे फोटो के बारे में तो दूसरे फोटो में हम डॉक्टर ऑक्टोपस को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पकड़े हुए देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट फोटो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को सेंट्रम के बाहर खड़े हुए देख सकते हैं और अगले ही फोटो में हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन किसी बेसमेंट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वही भाई अगर मुझे ट्रेलर से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बात करें इटर्नल्स मूवी की रोटन टमाटो रेटिंग के बारे में तो भाई ये एमसीयू की अब तक की सबसे कम रेटिंग पाने वाली मूवी बनी है, जिसे 114 रिव्यूअर ने 59% की रेटिंग दी है। वही नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो भाई एक्टर किलियन स्कॉट को फिज द स्कर्ल नाम के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है, जो कि हमें सीक्रेट इन्विजन सीरीज में दिखने वाला है। सीरीज हमें डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होती हुई दिखेगी। वहीं सीरीज की शूटिंग अभी चालू है। वहीं बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो भाई एक्टर बिली मुरी को आंटमैन 3 मूवी के लिए कास्ट किया गया है। वे कौन सा रोल करने वाले हैं इसकी अभी कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली है। अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो एक रूमर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो शांग-ची के सीक्वल और ब्लैक पैंथर की स्पिन ऑफ मूवी ओकाए के प्रोडक्शन पर काम करने वाला है, जो कि 2023 में स्टार्ट होने वाला है। इस पर अगर मुझे कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। बात करें DCU से आई हुई अपडेट के बारे में तो भाई एम्बर हर्ट ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया है कि वह एक्वामैन 2 में अपने मीरा के रोल के लिए रिटर्न कर रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बात करें दून मूवी के सेकंड पार्ट के बारे में तो भाई इस मूवी के सेकंड पार्ट की शूटिंग 2022 में स्टार्ट कर दी जाएगी, जो कि मूवी के एक्टर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। नो टाइम टू डाई स्टार एना दी एम्बर्स को जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी ब्लेरिना में लीड रोल में कास्ट किया गया है। मूवी में वो हमें फीमेल असेसियन के रोल में दिखने वाली है, जो अपनी फैमिली के मर्डर का बदला लेने वाली है। बात करें आज की लास्ट अपडेट के बारे में तो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एलिट का सीजन 6 कंफर्म कर दिया गया है, जिसपे अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई आज मेरे पास बस यही अपडेट थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।